देखिए आज अरजिंदर नगर में यहाँ पे जो बोर वगैरह निकालने की जो मशीन है ये पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ लाई गई है, क्योंकि दुर्गा नगर वार्ड नंबर 64 के जो लोगों की काफ़ी देर से ये डिमांड थी, जिस तरह से यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम थी 15-16-17 साल से, और हम लोग तभी से उस चीज़ के पीछे पड़े हुए थे कि जिस तरह से हालत थी पानी की। और बड़ी बार हमें इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी करनी पड़ी, ऊपर लिख के भी भेजना पड़ा, धरने प्रदर्शन भी हमने किए। तो ओवरऑल आज जो पीएचई डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से यहाँ पे जो बोर वाली मशीन लगाई गई है, और अभी जो कंसर्न हमारे साथ तो यहाँ पे जो उनके एम्प्लॉय हैं उन्होंने बोला है कि 2-4 दिन तक ये काम शुरू हो जाएगा बोरिंग का, और कम से कम शुरुआत तो हुई 2 महीने बाद या 6 महीने या 8 महीने बाद कम से कम जो हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी पानी की, थोड़ा हमें उससे थोड़ी राहत मिलेगी। स्पेशली हम इसके लिए पीएचई डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, जो एक्सीन है हमारे अजय शर्मा जी, धवलई साहब का, जय साहब का, और स्पेशली गवर्नर साहब का, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों जब हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे तो हमें पीएचई डिपार्टमेंट के जो अफसर थे एक्सीन साहब ने हमें बोला कि जो ज़मीन हमें जेडी वालों ने दी है तो उसके लिए वो पैसे मांग रहे हैं, तो अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो इसके लिए हमने गवर्नर साहब को लिख के भेजा था। तो उसके बाद जब हमने एक्शन साहब से बात की तो उन्होंने बोला कि मसला सॉर्ट आउट हो गया, और उसका नतीजा कि आज ये मशीन यहाँ पे आई है, और मुझे लगता है कि 2-4 दिन में यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। इससे हमारे लोगों की जो दुर्गा नगर की जो पानी की परेशानी है उससे हमें थोड़ी राहत मिलेगी। और मैं एक बार फिर से जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे पीएचई हो चाहे जेडी हो, और स्पेशली गवर्नर साहब को, कि जब हमने उनको लिख के भेजा और उन्होंने जो हमारी गिविंग थी उस पर ध्यान दिया, और आज यहाँ पे मशीन पहुँची है, और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से ये यहाँ पे अब मोर का काम शुरू होगा, और जल्द से जल्द जो भी इसका कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनना है या जिस तरह से पानी की सप्लाई किस तरीके से होगी वो भी काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ डिपार्टमेंट का, कि और भी जितनी जल्दी हो सके इस काम को जल्दी शुरू किया जाए,